अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी छुट्टियों को बहुत प्रोडक्टिव गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होंगे और आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, आप अपने टीचर्स से मिलेंगे, लेकिन आपने इन दिनों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। मैं ठीक कह रहा हूँ? गुड। अच्छा ये बताइए कि आजकल हम साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यस, हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन। और हम अपने इस चैप्टर के डे फोर को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा डे फाइव है। तो कल आपने इस चैप्टर की रीडिंग की थी एंड आई एम श्योर कि आपने अपना होम असाइनमेंट अपने टीचर्स को सबमिट कर दिया था। आज हम करने जा रहे हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपने क्या कुछ सीखा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, आपने उसके आंसर्स देने हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आज हमारा अंडरस्टैंड वर्बल है, यानी कि वर्बल इसलिए ताकि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप हो सके, ठीक है? तो गौर से इन सवालात को सुनना है, इन क्वेश्चंस को सुनना है, इनके आंसर्स को सुनना है। तो हम अपनी एक्टिविटी का स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक नेम इज़ फोर्स एंड मोशन और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? व्हाट इज ग्रेविटी? ओके, लेट मी आंसर यू। गौर से सुनिएगा। ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटी जो है वो ताकत है किसकी? जमीन की। व्हेन वी थ्रो अ थिंग, जब हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, इट फॉल्स बिकॉज अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स टूवर्ड्स इट। द फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो बच्चों ग्रेविटी क्या है? ये ज़मीन की ताकत है। जब भी हम कोई चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा वापस जो है ज़मीन की तरफ आती है। इसका मतलब है ज़मीन उसको वापस पुल करती है। और जो फोर्स है अर्थ की उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अर्थ। व्हेन वी थ्रो अ थिंग इट falls because earth pulls all things towards it. This force of the earth is called gravity. So the next question is, हमारा अगला सवाल है, why can some people throw a ball further than others? क्यों बहुत से लोग बॉल को ज़्यादा आगे तक फेंक देते हैं बाकी लोगों की नस्बत? Why can some people throw a ball further than others? So what is the answer of this question? Every person has a different force from another person. That's why some people throw a ball further than others. हर इंसान की ताकत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, इसीलिए कोई एक शख्स जो है वो दूसरे से ज़्यादा दूर तक आगे तक बॉल को थ्रो कर सकता है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट फोर्स फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट्स व्हाई सम पीपल थ्रो अ बॉल फर्दर देन अदर्स। ओके, नाउ द टाइम इज फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। हमें दो फोर्सेस के बारे में उनके नाम जो हैं वो बताने हैं। नेम एनी टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। सो द आंसर इज दीज आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, विंड फोर्स एंड वाटर फोर्स। दो किस्म के फोर्सेज हैं, एक विंड फोर्स है और एक वाटर फोर्स है। विंड मेक्स थिंग्स मूव एज क्लोथ्स एंड प्लांट्स मूव ऑन अ विंडी डे एंड एज वेल एज वाटर कैन मूव थिंग्स लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन मूव अ लीफ ऑफ अ प्लांट। तो हमने यहाँ पर जिक्र किया दो ताकतों का, एक विंड फोर्स है यानी कि हवा की ताकत है, एक वाटर फोर्स है यानी कि पानी की ताकत है। विंड से क्या होता है? वो क्लॉथ्स को, प्लांट्स को मूव करता है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो एकदम से कपड़े या पत्ते या चीज़ें उड़ना शुरू कर देती हैं। इसी तरह पानी की भी एक ताकत है, जब वो मूव कर रहा होता है तो उसमें अगर कोई पत्ता गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो साथ साथ मूव कर रहा होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फोर्स। हमें ताकत की ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need force? The answer of the question is we need force to move things as well as we need force to stop or change the direction of moving things. तो हमें ताकत की ज़रूरत क्यों है? हमें ताकत की ज़रूरत होती है चीज़ों को मूव करवाने के लिए, हमें ताकत की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ वाई वी नीड
फोर्स वी नीड फोर्स टू मूव थिंग्स एज वेल एज वी नीड फोर्स टू स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग थिंग्स। तो बच्चों ये हमारे टोटल फोर क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा डे है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप इन फोर में से अपनी मर्जी के दो कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से कहेंगे कि वो क्वेश्चन आपसे पूछें और आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है बाय स्पीकिंग, आपने बोल के इनका जवाब देना है, क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन डे है। तो जब आप ये आंसर दे रहे होंगे तो उस वक्त आपका कोई फैमिली मेम्बर उसकी क्या बना ले, आपकी वीडियो बना ले, ताकि वो वीडियो आप अपने टीचर्स को सेंड कर सकें। तो आज का आपका ये होम असाइनमेंट है। इंशाल्लाह कल हम अपनी एक नई एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।